वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है, बड़ा इशू बना हुआ है। पेनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। महंगाई के जिन ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई के जिन ने बचाने वाली अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि अद्वियात की किल्लत का मामला हल किया जाए। खाली दवाइयों का नहीं है, मतलब लेबोरेटरी की कीटों का है, कंट्रास्ट का है, कैंसर की दवाइयों का है। अपने मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, खून पतला करने वाली दवाएं मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के हवाले से बात करें कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत से फूड क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन एक क्राइसिस जो इन दिनों सर उठा रहा है उसका नाम है मेडिसिन शॉर्टेज और मेडिसिन क्राइसिस। अगर इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है, और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। अगर इंडिया की मेडिसिन की कीमत की हम बात करें तो इंडिया की मेडिसिन जो है यूरोप और यूएस से 50-60% सस्ती है। भाई मुझे तो यहाँ पैनाडोल नहीं मिल रही। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, ये चलेगा, लेकिन घबराना अभी भी इधर छोड़ गया। में हमारे बुजुर्गों ने यही कहा था, ये पाकिस्तानी मुल्क इनसे नहीं चलेगा, ये ले तो रहे हैं लेकिन एक दिन बिखर जाएंगे। मगर बदकिस्मती देखिए, बिखरने की शुरुआत 1971 में हो गई थी, जब ये 1-2 हुए। सबसे बड़ा फेलियर तो इनका तभी हो गया था। जरा सोचिए, अब ये चले गए बिल्कुल डूबने की कगार में। इसकी वजह क्या है? और जब कोई मुल्क बर्बाद होता है तो प्याज की लेयर की तरह धीरे धीरे उसकी परतें उधड़ती चली जाती है। ठीक है जी, उन्हीं प्याज की लेयरों में से एक पाकिस्तान की लेयर और उधड़ गई। हलवा पकाए, पाकिस्तान के अंदर दवाइयों का हो गया क्राइसिस, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वक्त एंट्री लेवल पे था, अभी नेक्स्ट लेवल पे आ गया। ऐसे नहीं चलेगा। और लोगों से पूछा जाए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। प्रॉब्लम इज शॉर्ट आउट। अगर आपके मुल्क में दवाइयाँ नहीं मिल रही हो, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मुल्क में प्याज महंगा मिल रहा है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मुल्क में आटे की लाइन लगानी पड़ रही है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपके मुल्क में पेट्रोल 270 से ऊपर चला गया, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आपका डॉलर चांद पे जा रहा है, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। और ये रॉकेट साइंस सिर्फ पाकिस्तानियों के पास पाई जाती है। अबे साले, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, 75 साल से ये लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं तो आज इस दहलीज पे कैसे पहुंच गए, कैसे, हाउ? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दुख दर्द जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बकचोदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। कि ये पाकिस्तान जो कि इस टाइम फूड क्राइसिस और मेडिसिन का क्राइसिस का शिकार है, और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, वहाँ से डॉक्टर यहाँ पर आने चाहिए? नहीं। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? पता नहीं, जरा सोचिए। ना ना, रिक्वायर्ड है उस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? आज मैं बताना चाहूंगा, प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में काफी इशू चल रहे हैं मेडिसिन के हवाले से, कि जितनी कंजप्शन है उतनी मेडिसिन, मतलब प्रोडक्ट भी बहुत कम है इस वाले से, काफी मेडिसिन आए दिन शॉर्ट रहती हैं, जो रनिंग आइटम्स हैं जो काफी जरूरी भी हैं। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पेनाडोल शॉर्टेज हो गई है, क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है, तकरीबन एक हफ्ते से है, कुछ छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं बाहर से ले आए। हाँ, मैं तकरीबन, मेरे ख्याल में ये
मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। तो आप मुझे बताएंगे इंडिया का, आप देखते होंगे कि इंडिया की जो मेडिसिन है वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही है, उनका जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो इस वक्त बे इंतहा ग्रो कर रही है, पाकिस्तान समेत हर जगह उनकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उनकी इतनी ग्रोथ और हम लोगों की क्या खामियाँ हैं कि हम लोग यहाँ पर मेडिसिन नहीं बना पाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सबसे मेन इशू बताते हैं कि जी रॉ मटेरियल्स का है, उधर वो खुद बनाते हैं, हमारे इधर ऐसे की कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो रॉ मटेरियल खुद बनाएं, ज़्यादातर हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से या इधर अमेरिका वगैरह से, जिसकी वजह से मेडिसिन की प्राइस भी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो उनसे मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है, उसकी रीज़न क्या हो? उसकी रीज़न ये कि उनके जो हुक्मरान है ना वो तरीके से काम करते हैं, उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैसी करते रहें, दोरों पे दोरों करते रहें, उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। कहीं भी जाएं वैसे तो इम्पोर्टेड मेडिसिन जहां भी जाएं फार्मेसीज में अवेलेबल ही नहीं होती। और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है? पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं लेकिन इम्पोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो है वो उसी को पसंद करते हैं। यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? ना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो जो मेयार को वो समझते हैं वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा। बोर्ड देते हैं हम गलियाँ पक्की करवाने के नाम करवाने के लिए, ना कुछ काम हो रहा ना कुछ हो रहा, बस जलील हो रहे हैं अस्पताल, ना यतीम, सारे जलील हो रहे हैं ना। क्या कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का है? मुझे बस लास्ट में बता दें भाई जान, कह रहा हूँ अब मरीज है क्या हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं या घर में खाना। तो तकिया अपने साथ पकड़ा है कि अंदर बैठने को जगह नहीं है? नहीं, अंदर बैठने को जगह नहीं है, अगर बैठ जाते हैं तो गार्ड आता है, चलो 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 बाहर निकलो भाई, चलो चलो बाहर निकलो। भी साथ है, तकिया भी साथ है, मतलब लेके आए भाई, ये जी जी मेहमान खाने बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है, तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों रात बैठते हैं। ये भी है जो लॉजिकल बात है वो है, ठीक है, जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं, हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें ये है की हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा बात नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते, आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ मुसलमान से बढ़कर चीजें है, कोई काफर मुसलमान से बढ़ के नहीं है, मुसलमान अगर हो अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए है? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते, जब हम अपने दीन पे चलेंगे कोई मेडिसिन नहीं आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया है? नहीं नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है जैसी आवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। ये पाकिस्तानी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमको इंसानियत के नाते हिंदुस्तान से दवाइयाँ मंगानी चाहिए, अबे तुमको हिंदुस्तान दवाइयाँ भेजेगा भी? पहले ये तो सोच लो, ये तो पूछ लो, पहले जो हमने तुम्हें दवाइयाँ दी थी उसके पैसे तो तुमने आज तक दिए नहीं है, और दवाई ले लो, नया लेने के लिए पुराना देना पड़ता है, जाए लो, और इंडिया वाले तुमको दवाई नहीं देंगे, पहले पैसे लेंगे फिर दवाई देंगे, और नहीं। अब बारी है आपकी, अब पाकिस्तानियों को आप खड़काओ और आप अपनी कलम से खड़का सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका भर दो, भाई की आवाजें आती है, लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी उम्रा भी, लेकिन इससे तो कंट्री को नहीं बचाया जा सकता आप कब ठीक होंगे, जख्म कब ठीक होगा, पाँव की सर्जरी, वो कहते हैं बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि एक मरीज को संभालना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखिए 40,000 से 50,000 रुपया मंथली लग रहा है, क्योंकि मेडिसिन इतनी महंगी है। मेडिसिन तो छोड़ दे, जो पट्टी करने आता है उसकी अपनी डिमांड है, 13-14 से तो वो जस्ट एक दिन का पट्टी का लेता है, इतनी सी वो पट्टी करके
जाता है। तो यहाँ पर हर इंसान की डिमांड बहुत हाई है, लेकिन पैसे किसी के पास इतने नहीं है, काम नहीं है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, और जिससे जितना हो रहा है वो जिसको जहाँ से लूट रहा है बस लूटता जा रहा है। तो ये सिस्टम है, लोगों को अभी भी नहीं पता कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने करना क्या। ये कहते हैं ना सरकारी हॉस्पिटल पाकिस्तान में बड़े बड़े, आप यकीन करें सरकारी हॉस्पिटल में सवाए पर्ची के कुछ फ्री नहीं है। सही है, आपको सिरिंज भी लेनी है जाए मेडिकल स्टोर से लेके हैं, आपको एक कहते हैं ना वो एक शुगर चेक करने के लिए अगर आपको स्ट्रिप चाहिए वो भी आपको वहां से लेके आनी, पैनाडोल की गोलियां वहां से ड्रिप ड्रिप के। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।